नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपनी एक पेशेंट से जिसका नाम मिस्टर श्यामवीर सिंह है और जिनकी उम्र 42 वर्ष है। ये पेशेंट जो है पिछले 14 साल से कमर दर्द से परेशान थे और साथ ही साथ इन्हें स्लिप डिस्क भी हुई हुई थी, लेकिन लास्ट 6 मंथ से यानी फरवरी 2021 से इनका कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दर्द कमर से लेकर इनके दोनों पाँव में भी जा रहा था, साथ ही साथ दोनों पाँव में झनझनाहट थी, पैरों में जो है वो नंबनेस यानी सुन्नपन भी था। इन्होंने MRI भी करा रखी थी। MRI कराने के साथ साथ इन्होंने कई जगह पे एलोपैथिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी लिया है और इन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। मेडिकल ट्रीटमेंट दिए गए जिससे इन्हें कोई लाभ ना हुआ और इन्हें ऑपरेशन की सलाह दे दी गई थी कि ऑपरेशन इन्हें कराना होगा। ये पेशेंट हमारे पास स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर DDpuram बरेली पे दिखाने के लिए आए थे। हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया और पेशेंट की रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके जो L4-L5 जो डिस्क होती है वहाँ पर जो है वो डिस्क एक्सट्रूजन हो रखा था, डिस्क एक्सट्रूड कर गई थी। साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर जो इसका डायमीटर था वहाँ पर वो डायमीटर घट कर जो है वो सिर्फ 6 रह गया था, यानी कि सीवियर कैनाल स्टेनोसिस हो रखी थी, जिसके लिए वजह से पेशेंट को पैरों में बहुत झनझनाहट थी, सुन्नपन था। हमने पेशेंट का आयुर्वेदिक पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू किया, पत्रपिंड स्वेद दिया है हमने, इन्हें कटिबस्ती लगाई है, साथ ही साथ हमने इन्हें मज्जाबस्ती दी है और न्यूरोथेरेपी दी है। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को 70% रिलीफ है, पेशेंट चल सकते हैं। जो पेशेंट बिल्कुल चल नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, काम नहीं कर सकते थे अपना, आज वो 5-6 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं। और इस बीच में और ना अभी पेशेंट को कोई पेन किलर भी नहीं लेने पड़ रहे हैं, हम सिर्फ सपोर्ट के लिए जो नॉर्मल मेडिसिंस होती हैं वो दे रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट हुआ है। आप खुद पेशेंट से पेशेंट के शब्दों में सुन सकते हैं। आइए इस मरीज से मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्यामवीर सिंह। श्यामवीर जी, क्या उम्र कितनी होगी लगभग आपकी? उम्र हमारी 42 साल। 42 साल। तो श्यामवीर जी, थोड़ा बताएंगे आप अपने सुनने वालों को कि क्या तकलीफ थी, किस लिए आपने यहाँ पे अपना इलाज कराया? मेरे कमर में दर्द था बहुत तेज। कब से ये तकलीफ थी आपको? कमर दर्द, कमर के दर्द की तकलीफ थी 14-15 साल पहले से। 14-15 साल से दिक्कत थी जी आपको? अब फरवरी से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। इसी फरवरी से, यानी कि लगभग 6 महीने से आपको दिक्कत ज्यादा बढ़ी? ज्यादा थी। ओके, तो क्या दिक्कत क्या हो रही थी? सिर्फ दर्द कमर में ही था या पैरों में भी दर्द जा रहा? पैर का पहले एक पैर में हुआ, फिर दूसरे में भी हुआ। तो केवल दर्द था या झनझनाहट? झनझनाहट भी थी और सुन्नपन जी। अच्छा, तो इस तकलीफ के चलते आप क्या था स्थिति आपकी कि आप चल कितना पा रहे थे, कितना अपना काम कर पा रहे थे? कुछ नहीं काम कर पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा जी, रहे नहीं। अच्छा, तो जैसे इन 6 महीनों में आपने अपना कहीं ट्रीटमेंट करवाया था कि नहीं करवाया था? हाँ, एलोपैथिक दवा खाई थी। अच्छा, तो उससे आराम पड़ा था? उससे कोई आराम नहीं पड़ा। ओके, तो श्यामवीर जी, जो आपने हमारे यहाँ पे पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है 15 दिन का जी, तो उस 15 दिन के ट्रीटमेंट पे अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी मुझे बहुत आराम है। कितना आराम है लगभग आपको? 60-70% मान लीजिए। अच्छा, पैरों का दर्द की क्या स्थिति है? दर्द जब मैं सवेरे को जब चलता हूँ टहलता हूँ तो थोड़ा दर्द होता है, जब चल जाता हूँ तब बिल्कुल नीचे उतर आता है। अच्छा, और कमर दर्द की क्या स्थिति है आपकी? कमर में भी दर्द कम है। कम है, ओके। अच्छा, तो इस बीच में जो 15 दिन का ट्रीटमेंट हुआ, आपको कोई पेन किलर वगैरह दर्द की गोली तो नहीं खिलाई गई? जी नहीं, कोई नहीं। और अभी भी कोई खानी तो नहीं पड़ रही है? नहीं, कोई नहीं खा रहे हैं। ओके, तो श्यामवीर जी, जो आपने यहाँ पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है उसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपका भी ऑपरेशन बताया गया था चीज़ें होने के? जी हाँ, मुझे ऑपरेशन बोला था। तो अभी आपका बिना पेन किलर के और बिना ऑपरेशन के आपकी स्थिति है, आप कितना चल पाते हो अभी? मैं सर सुबह को 5-6 किलोमीटर चल जाता हूँ। 5-6 किलोमीटर आप चल ले रहे हैं जी, बिना दर्द की गोली की और बिना? नहीं नहीं, जो कुछ आपके यहाँ से जो है वो ही है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। तो अभी आप कितना सेटिस्फाइड है, या आपकी तरीके की जो लोगों को बीमारी है उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप यहीं आएं। आपसे यही कहना है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को स्लिप डिस्क हुई हुई है या शियाटिका की तकलीफ है और आपको भी ऑपरेशन की सलाह दी गई है या आपको किसी चीज़ से लाभ नहीं हो रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे यहाँ दिखाने आ सकते हैं।
सकते हैं, और अगर आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपने नज़दीकी किसी भी पंचकर्म न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाके अपना ट्रीटमेंट वहां पर करा सकते हैं। नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिए और हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी पूरी सुविधा है। तो